स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 12 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एंगल के बारे में बताया था, ठीक है। ज्योमेट्री से रिलेटेड बताया था एंगल्स, एंगल्स किस क्या होते हैं और एंगल्स क्या होता है, मतलब किस तरीके से उसको हम लिखते हैं, किस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। एंगल्स को नाम किस तरीके से लिखते हैं। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है, फोर टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट राइट एंगल, सेकेंड एक्यूट एंगल, थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल एंड फोर्थ स्ट्रेट एंगल। ओके, दीज आर फोर टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट राइट एंगल, सेकेंड एक्यूट एंगल, थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल एंड फोर्थ स्ट्रेट एंगल। ओके, फर्स्ट बात करते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, वो क्या होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है। अब 90 डिग्री का कैसे पता चलेगा, जैसे हम इसको पता लगाने के लिए, डिग्रीज को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है, उससे हम क्या करते हैं, एंगल्स बनाते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे डी, उसको हम डी भी कहते हैं और प्रोटेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। राइट एंगल क्या है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। ओके, लेस देन 90 डिग्री। एंड ऑब्ट्यूज एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंड स्ट्रेट एंगल इज एग्जैक्ट 180 डिग्री। ओके, अब 90 डिग्री वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, 90 डिग्री आपने जब बनाओगे, 90 डिग्री क्या होता है, एकदम सीधा होता है 90 डिग्री, ठीक है। इसकी जो ये लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एकदम सीधी होती है, ठीक है। और एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम है तो कम में जाएगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है। एंड स्ट्रेट एंगल एकदम सीधा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, सपोज स्ट्रेट लाइन मैंने आपने पढ़ी होगी, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सीधी होती है, ठीक है। स्ट्रेट, इसी तरीके से स्ट्रेट एंगल भी क्या होगा, एकदम सीधा, ठीक है। तो राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, या तो आपको दे दिया जाएगा क्लासिफाई करने के लिए, या फिर ये दे दिया जाएगा नेमिंग एन एंगल एंड देन क्लासिफाई। तो क्लासिफाई वर्ड जब आएगा तब आप क्या करोगे, इसके नाम लिखोगे, ठीक है। जैसे कि सपोज क्लासिफाई करना है, अगर ये दे दिया है ऐसा एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल, ठीक है। क्लासिफाई करने के लिए ओनली फॉर इसके आंसर क्या होगा, राइट एंगल। और नेक्स्ट में अगर आपको दे दिया क्लासिफाई, नेमिंग एन एंगल एंड देन क्लासिफाई, देन आपको किस तरीके से दे दिया जाएगा, इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये टू रेज है, ठीक है। यहाँ पर ए बी एंड सी, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है, हमें मेन नाम भी लिखना है। तो नाम भी लिखना है तो क्या होगा, नाम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, नाम किस तरीके से लिखते हैं, हम तीनों लेटर्स का यूज करते होंगे, एंगल का साइन लगाएंगे, देन ए बी सी, जहाँ पर ये मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पर ये दोनों रेज मिल रही है, वो क्या होगा, वो बीच में आएगा, ठीक है। ए बी सी, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको नाम लिखेंगे इसका, एंड देन ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। 90 डिग्री इतना होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट।